हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। आज हम आपकी क्लास 12 सेकेंड चैप्टर का पार्ट 4 कर रहे हैं। अब तक हमने उत्पादन संभावना वक्र और केंद्रीय समस्याओं के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे उत्पादन संभावना वक्र का खिसका, शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो उत्पादन संभावना वक्र, जो कि हमने पिछले वीडियोज में किया, इस शेप में होता है, जिसका ढलान ऊपर से नीचे की ओर होता है और ये मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, कंकेव टू ओरिजिन। तो इसमें क्या खिसकाव या शिफ्टिंग कब होता है? पीपीसी में शिफ्टिंग दो कारणों से होता है। पहला है साधनों में परिवर्तन, दैट इज चेंज इन रिसोर्सेस। दूसरा है तकनीक में परिवर्तन, चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो साधनों में परिवर्तन, अब साधन जितने हमारे पास थे उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो जैसे कि दो तरह से परिवर्तन हो सकता है। साधन हमारे पास 10 मशीन्स हैं या 10 लेबर हैं, या क्या होगा, बढ़ जाएंगे, 10 से 15 हो गए, या फिर क्या हो जाएंगे, 10 से कम हो जाएंगे, 8 हो गए या 5 हो गए। तो अगर हमारे साधनों में वृद्धि है, इंक्रीज इन रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज 10 to 15 हो गए, बढ़ गए, तो क्या होगा, उत्पादन संभावना वक्र बाहर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। क्यों शिफ्ट हो जाएगा? क्योंकि चाहे ये क्लोथ हो या फिर वीट हो, कपड़ा हो या गेहूं हो, हम पहले की तुलना में अधिक उत्पादन कर सकते हैं। यहाँ 12 थे, अब हम 14 का उत्पादन कर रहे हैं, यहाँ 6 थे तो अब हम 8 का उत्पादन कर रहे हैं। तो अगर हमारे रिसोर्सेज में इंक्रीज होगा तो उत्पादन संभावना वक्र बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर रिडक्शन इन रिसोर्सेज है, साधनों में कमी है, तो क्या होगा, ये उत्पादन संभावना वक्र अंदर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज पहले से कम हो गए, तो हम दोनों ही वस्तुएं पहले की तुलना में कम उत्पादन कर पाएंगे। पहले अगर हम 12 वस्तुएं बना रहे थे तो अब हम 10 बना पाएंगे, पहले हम 6 बना रहे थे तो अब हम 4 बना पाएंगे। तो अगर रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो हम बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, रिसोर्सेज कम हो जाएंगे तो हम अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि साधन बढ़ेंगे तो हम ज्यादा उत्पादन कर पाएंगे, साधन कम होंगे तो अब हम कम उत्पादन कर पाएंगे। दूसरा है तकनीक में परिवर्तन। ये तो था साधन बढ़ गए, अब तकनीक में परिवर्तन। अगर तकनीक अच्छी आ गई, बेहतर तकनीक आ गई, तो क्या होगा, जैसे कि टाइपराइटर की जगह कंप्यूटर आ गए। टाइपराइटर पे काम स्लो होता था, लेकिन कंप्यूटर्स पे काम हम पहले की तुलना में बहुत अधिक तेजी से कर सकते हैं। तो तकनीक में परिवर्तन आ गया, उत्पादन पहले की तुलना में बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें हमारे पास कई ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे ये है हमारा उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी, यहाँ है क्लोथ, यहाँ है वेट, ये ओरिजन, ये है हमारा ए और बी। अब जरूरी तो नहीं है कि दोनों वस्तुओं की तकनीक में परिवर्तन होगा। मान लो कपड़े की अच्छी मशीन आ गई, लेकिन वीट में कोई भी तकनीक में परिवर्तन नहीं हुआ, तो क्या होगा, कब सिर्फ अगर कपड़े की तकनीक में सुधार हुआ तो केवल कपड़े का या क्लोथ का उत्पादन ही बढ़ेगा, तो क्लोथ का उत्पादन बढ़ जाएगा लेकिन वीट का उत्पादन सेम रहेगा। ये कब होगा, ओनली वन गुड, अगर एक ही गुड की तकनीक में परिवर्तन होता है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि क्लॉथ की टेक्निक सेम है लेकिन वीट की तकनीक में परिवर्तन आ गया। तो अगर वीट की तकनीक पहले से बेहतर हो गई तो हम वीट का पहले की तुलना में अधिक उत्पादन कर पाएंगे और क्लॉथ का उत्पादन या कपड़े का उत्पादन सेम रहेगा। यहाँ पर किसकी, क्लॉथ या कपड़े की तकनीक में सुधार था, और यहाँ पर किसकी, गेहूं के या वीट की तकनीक में सुधार हुआ है। और दूसरा, तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, दोनों की तकनीक पहले से बेहतर हो गई, कपड़े की तकनीक भी बेहतर हो गई और गेहूं की भी। कपड़े की बेहतर हो गई तो कपड़े का अधिक उत्पादन होगा, और गेहूं की बेहतर हो गई तो गेहूं का भी अधिक उत्पादन होगा। तो यहाँ पर हमारा उत्पादन संभावना वक्र पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एक ही तकनीक में परिवर्तन है तो हमारा उत्पादन संभावना वक्र जो है वो एक ही तरफ से शिफ्ट होगा, एक तरफ से वो कॉन्स्टेंट रहेगा। थैंक यू।